सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं मुकेश वर्मा, आप देख रहे हैं मेडिसिन किंग। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नोल कोल ड्रॉप के बारे में। नोल कोल ड्रॉप के इस्तेमाल, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, आप अपने बच्चों को कौन कौन से कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो गाइस, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथ में बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी जो मेडिसिन की फैमिली है वो 50,000 से भी ऊपर हो चुकी है, और आप 50,000 में से बिल्कुल कम से कम वॉच करते हैं। जैसे कि एक दिन में व्यूज़ होते हैं 50, 60 या 100 क्रॉस कर जाते हैं, इससे कम ही व्यूज़ होते हैं, कभी भी 400, 500, 1,000 नहीं होते। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप वीडियो को वॉच नहीं करेंगे तो मेरे को कहाँ से मोटिवेशन मिलेगी? और फिर अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी तो दोस्तों मैं मोटिवेट होऊंगा, फिर आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊंगा जिससे आपकी नॉलेज है जो और बढ़े। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को वॉच किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे रिव्यू लेकर आएं। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करते हैं और बताते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे आप, नोल कोल की ब्रांडिंग है, और अगर हम इसके इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों, सामान्य बच्चों को जुकाम हो जाता है, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी होते हैं 3 से 4 महीने के या फिर 1 से 2 महीने के, तो उन कंडीशन में उन बच्चों को नोल कोल ड्रॉप का आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इनके इस्तेमाल जैसे कि सर्दी, खांसी या फिर नाक का बहना बार बार, या जुकाम होना, या फिर निमोनिया, या फिर पराग की एलर्जी होना, या सिर में दर्द, या किसी प्रकार का फ्लू, तो उन कंडीशन में आप बच्चों को ये ड्रॉप दे सकते हैं। और इसके इस्तेमाल जैसे कि हल्की गीली आंखें हो जाना, आंखों में से बार बार पानी आना बच्चों की, या फिर बहुत ज़्यादा नाक बहती है, तो उन कंडीशन के लिए एक बेहतरीन रामबाण इलाज है। और दोस्तों, जुकाम के साथ साथ बार बार बच्चों को बुखार भी आता है, तो उन कंडीशन के लिए बुखार और जुकाम के लिए बहुत ही अच्छा ये ड्रॉप है। और इसके इस्तेमाल जैसे कि कान का बार बार बहना, या फिर हल्की खांसी आना, या फिर गले में खराश, या फिर निमोनिया में भी इसको दिया जाता है, तो इन कंडीशन में आप नोल कोल ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही प्यारी सी पैकिंग है, और यहाँ पर बॉक्स को रखते हैं साइड में, इसमें एक ड्रॉपर है, और ये देखिए इतनी प्यारी सी पैकिंग में छोटा सा 15 ml में ड्रॉप आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए है। अगर हम इसके कंटेंट वगैरह के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर कंटेंट आप पढ़ सकते हैं, पैरास्टामोल, फिनाइल एफ्रिन और क्लोरफेनामाइन मैलेट ड्रॉप, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसकी कंपनी है नोल, यहाँ पर आप देखेंगे, और इसका MRP है 50 रुपये। एक्सपायरी डेट वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी जगह दोस्तों, अगर आपको ये नोल कोल ड्रॉप नहीं मिलता तो आप इसकी जगह टिमनिक या सीनारेस्ट या फिर सोलविन कोल ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये मैं 2-3 ड्रॉप बता रहा हूँ, ये आपको इजीली किसी भी केमिस्ट पर मिल जाएंगे। हम इसके इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। बहुत से लोग कन्फ्यूज रहते हैं, भाई हमें इस्तेमाल कितना करना है, तो यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखेंगे आप, अगर आपका बच्चा 1 महीने का है तो आप 6-6 बूंद दे सकते हैं दिन में 3 बार या 2 बार। यहाँ पर देखिए उन्होंने बनाया है 0.6, तो यहाँ पर आप उस प्रकार से बच्चों को पिला सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 3 से 4 दिन तक पिलाएंगे तो आपके बच्चे की प्रॉब्लम, जो बुखार, खांसी, सिर में दर्द होता है, तो वो बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे तो बच्चों को दस्त या फिर नींद या तेज़ धड़कन, तो इस प्रकार के उनमें सिम्टम देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी दवा या इंजेक्शन का आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल ना करें, हालाँकि बच्चों में बिल्कुल भी ना करें, उससे पहले अपने डॉक्टर की सलाह ले लें, फिर उस हिसाब से आप अपने इस सिरप को इस्तेमाल, ड्रॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।